अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आफियत से होंगे। जहाँ कहीं पे भी होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी का मज़ा इसी चीज़ में है कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए, अपने इर्द गिर्द मामलों का खास ख्याल रखा जाए। जी तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और ब्लॉग लेके हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, शाम का टाइम था तो मैं चाय बनाने में लगी थी और इसके अंदर मैंने पत्ती ऐड की। पत्ती आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी पत्ती तेज़ पीते हैं, कड़क पीते हैं, कम पीते हैं, तो आपने उस हिसाब से इसको ऐड कर देना है। पत्ती को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल आपने इतना अच्छे से करना है तो आपकी मज़ेदार सी चाय रेडी होगी। तो देख सकते हैं जितना जितना जो बॉईल होती जा रही है तो चाय का कलर जो होता है जा रहा है वो चेंज होता जा रहा है। लोगों की तरह जैसे लोगों के रंग बदलते जाते हैं, इसी तरह ये चाय भी रंग बदल रही है। यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है, ज़्यादा या कम नहीं ऐड करनी, जो आपको पसंद हो तो वही ऐड कीजिएगा। मीठी छुरियाँ मत बन जाइएगा जैसे लोग बन जाते हैं, मुँह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, तो मीठी छुरियाँ बनने से परहेज़ किया करें। तो अपने हिसाब से इसके अंदर मैंने पत्ती को भी ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करके वो बॉयल होती रही है। तो यहाँ पे मैंने दूध निकाल दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ खुला दूध था बॉयल किया हुआ, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और दूध बॉयल करने ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसके फेंटे लगाने हैं। जैसे आप लोगों को फेंटा लगाते हैं, तो आपने मैंने फिर इस चाय को फेंट फेंट के रखा कि अच्छे से ये बॉयल हो जाए। तो चाय को जब मैंने फेंटे लगाए तो चाय ने कहा साथ में कुछ खाने के लिए भी बनाओ। तो फिर मैंने कहा चलो शाम का टाइम है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे घरों में कुछ शाम में ना बने। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी और एक अदद अंडा था मेरे पास, तो मैंने तोड़ के उसको प्लेट में डाल दिया। फिर इसको मैंने बीटर की मदद से पिटाई की, अच्छे से मिक्स किया। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको जो रेसिपी पसंद आती हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया बीटर की मदद से, हैंड बीटर की मदद से मैं कर रही थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी इसको पिटाई लगा सकते हैं, जैसे भी लगानी है लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे ये मिक्स हो चुका था। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड की थी चीनी, ऐड की थी चीनी। ऐड करने के बाद इसको मैंने दोबारा मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छा से हमारे टोस्ट रेडी हों। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होती है। और यहाँ पे मेरे पास है ब्रेड के 5 स्लाइसेस और इनको हमने करना है छुरी की मदद से ज़बा करने के बाद इसको हमने डुबकियाँ दिलवानी है अंडे के अंदर जो हमने मिक्स करके रखा हुआ साइड में। और ऐसा कैसे हो सकता है जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं और गली में आइसक्रीम वाला ना आए, तो ये तो पक्की दुश्मनी है इसकी मुझसे। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूं तो ये आ जाता है। और यहां पे मैंने तवे पे रख दिया है ऑयल को गर्म करने के लिए, और उसके अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है तवे पर। साथ ही मैंने क्या नाम ब्रेड को अंडे में डुबकियाँ लगवाना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर देख सकते हैं अंडे में ब्रेड डुबकियाँ लगाने के बाद ऑयल में आ चुकी है। और अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाते पकाते ही नीचे से गैस मुझे कर रही थी टाटा बाय बाय, बहुत इंजॉय कर लिया आपने। तो यही तो हाल है जब भी हम कुछ बनाते हैं और गैस ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज मैं बड़ी खुश थी कि गैस है। तो जैसे ही मैंने ये 3 पीसेस डाले थे तो गैस ने कहा बस छुट्टी करो, बहुत आपने इंजॉय कर लिया। तो यहाँ पे मैंने कहा जो आ रही है तो चलो उसके ऊपर ही खट्टे पीठे टोस्ट बना लेते हैं। वैसे बहुत मज़े के ये रेडी हो चुके थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माएँ बच्चों में को भी लंच में भी दे सकती हैं। दूसरी तरफ मेरी चाय भी बन रही थी, तो वो चाय तो ऑलमोस्ट बन चुकी थी पर टोस्ट के टाइम चली गई थी। और यहाँ पर मैंने साथ में काल चटनी भी बना दो। और चटनी के लिए मैंने हरी मिर्चें धनिया पुदीना वगैरह डाल के ग्राइंडर में पीस लिया था और मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं टोस्ट भी मेरे रेडी हो चुके हैं। और ये थोड़े से जो बाकी बच गए थे तो मैंने इसके ऊपर रख दिया, क्योंकि तवा मेरा अभी गर्म ही था। तो मैंने कहा जब तक चाय डालती तो ये पक ही जाएंगे। गैस का क्या है, थोड़ी खुशी थोड़े गम देखिए हमें चली जाती है। तो यहाँ पर ये बन चुके थे तो उसके साथ ही इनको मैंने कलर करी थी। मैंने कहा पक जाए, ये भी पकने के बाद मैंने कहा चाय यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। माशाल्लाह से मज़ेदार सी चाय रेडी हो चुकी थी। टोस्ट भी मज़े के बन चुके थे, कट पीट के बन चुके थे, पिटाइयाँ लगा लगा के दोनों साइड मैंने इनका बेड़ा गर्क किया। और यहाँ पे मैं चाय डाल रही थी और चाय डालने के बाद सर्व करी थी सबको के पी और इन्जॉय करो।
और साथ में टोस्ट भी बन चुके थे हमारे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। लोग अच्छा लगे तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मेरी थोड़ी सी ज़ुबान फिसल रही है क्योंकि मेरी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब है, तो बोल कुछ रहे हैं और हो कुछ रहे हैं। और यहाँ भी फिर अम्मी लोग चाय पी रहे थे सारे बैठ कर, उसके बाद चाय ने कहा कि बर्तन कौन धोएगा, इंजॉय तो बहुत कर लिया, तो बर्तनों ने कहा कि हमारी तरफ भी ध्यान दे। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे बर्तन सिंक में डाले और उसको वॉश करना स्टार्ट कर दिया। दो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती आपके घर से, एक कपड़े और एक बर्तन। बर्तनों में तो इतनी बरकत होती है कि आप जैसे धो के बैठते तो फिर ये फुल हो जाती हैं। पता नहीं क्यों इनको हमसे दुश्मनी है, लड़कियों से एग्री करेंगी सारी फीमेल्स के बर्तन जितने भी वॉश कर लो तो ख़त्म नहीं होते। और यहाँ पर नल में पानी आ रहा था, इसको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और मैं कहती अल्लाह इसको नज़र ना लगे। कभी गैस को नज़र लग जाती है हमारी और कभी पानी को। और यहाँ पर मैं कुबरा को भी पानी दे रही थी। और ये बर्तन धोने के बाद चूल्हे ने कहा कि तुम्हारा ध्यान किधर है, मैं भी तो हूँ। फिर मैंने यहाँ पे चूल्हे को साफ़ किया अच्छे से, मैंने कहा रगड़ रगड़ लो इसको भी, मैंने फेंटे शेंटे लगाए और सही करके रगड़ा चूल्हे का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। इतनी मेहनत करती हूँ मैं और आप लोग मेरी मेहनत का फल नहीं दे रहे, उधारा मेरी इस वीडियोज़ को देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें मुझे, कि मुझे भी फील हो कि भाई मेरे नसीब में भी कामयाबी लिखी हुई है। और यहाँ पे फिर मैंने कहा सारे कामों से फ्रेश होके ठंडा पानी पी लें ताकि दिमाग रिलैक्स हो जाए। ठंडा पानी टेम्परेचर नॉर्मल पे ही था, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी ख़राब है, तो मैं नॉर्मल टेम्परेचर चेक किया। यहाँ पर मैं चटनी रखती थी, मैंने बना के रखी थी, तो मैंने कहा ये दिखाना मैं भूल गई, तो आप लोगों को बता दूँ देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी चटनी बनी है। और उसको मैंने फ्रिज में बंद करके रख दिया। और यहाँ पर सीढ़ियों की लाइट नहीं थी तो मैंने कहा लाइट ऑन कर दूँ क्योंकि अंधेरे में कोई आ जाए तो गिर ना जाए, क्योंकि रास्ता बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सीढ़ियों की लाइट ऑन की, फिर मैं घर के अंदर आ गई। तो मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने।